गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना मत भूलिए। तो हाँ दाई कैसा सभी लोग वेलकम बैक टू माई चैनल जी जी गेमिंग। उससे फिर से जा रहे हैं मैं इंदर तो आज मैं जा रहे हैं वुडन हाउस तो इस बार फाउंडेशन देख ले। तो ये 6 ब्लॉक्स का गैप है और ये 6 ब्लॉक है और ये 7 ब्लॉक्स है और ये 4 ब्लॉक्स और ये भी 7 ब्लॉक्स और ये 15 ब्लॉक्स है। इतना बनाने के बाद आपको स्पोर्ट्स वुड प्लेस लेने और रेड वुड पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और सेम यहाँ पर भी। तो पहले कर लेते हैं ये और डाइट जितना करना चाहिए इन प्लेयर्स तो आपस में कनेक्ट करना है सेम यहाँ से भी। तो पहले कर लेते हैं ये ऑल राइट। तो इतना सारे नेता बाद आपके यहाँ पे येलो वॉल पर 1 2 3 4 और सेम यहाँ पर भी 1 2 3 4। तो यहाँ पर भी कर लेते हैं पहले ऑल राइट। तो इतना सारे नेता बाद आपको इन पिलर्स को यहाँ से कनेक्ट करना है और इनको मिडल से कनेक्ट करना है। तो पहले कर लेते हैं ये और राइट। जितना करने के बाद आपको यहाँ से भी इनको कनेक्ट करना है और यहाँ पर आपको पूरे में स्पोर्ट्स और प्लान्स फिल कर देने हैं। तो पहले कर लेते हैं ये और राइट। तो इतना करने के बाद आपको यहाँ पर स्पोर्ट्स और प्लान्स ले जाने हैं और यहाँ पर भी और यहाँ पर आप स्टे ले जानी है। तो पहले डाल लेते हैं ये और यहाँ पर आपको आउटवुड प्लान्स फिल करने हैं ऑल राइट। जितना करने के बाद आपको स्टे रूफ बनानी है तो यहाँ पर आपके स्पोर्ट्स वुड प्लान्स ले जाने हैं और यहाँ पे टोटली कुछ इस तरीके से। इतना करने के बाद आपको सेम यहाँ पर भी करना है। तो पहले कर लेते हैं ये ऑल राइट। जितना करने के बाद आपको देर तार पेड़ लेने हैं और यहाँ पर जाने हैं। तो पहले डाल लेते हैं ये ऑल राइट। तो इतना चलने के बाद आपको यहाँ से ब्लॉक तोड़ने और ये पूरे तोड़ देने यहाँ तक। तो पहले कर लेते हैं ये ऑल राइट। तो इतना चलने के बाद अपने पे आउटपुट प्लान्स लगाने हैं और यहाँ पर भी और बीच में स्पोर्ट्स वुड प्लान्स और सिम से पैटर्न बना देना है यहाँ पर भी। तो पहले कर लेते हैं ये पूरे में ऑल राइट। जितना था नेट वर्ड आपको यहाँ पर आउटपुट प्लान्स रखने हैं और सेम यहाँ पर भी और यहाँ पर आप तो स्पोर्ट्स वुड प्लान्स रखने हैं और यहाँ पे ट्रैप डोर और यहाँ पे बैरल तो आप तो इस तरह डोर का फ्लोर बनाना है। इसके बाद आपको फैंस लेने हैं और यहाँ पर रखने हैं सेम यहाँ पर भी फिर ट्रैप डोर लेने हैं और इसके ऊपर रखने हैं और यहाँ पे लैंटर्न लगाने हैं सेम यहाँ पर भी ऑल राइट। तो यहाँ पर ग्लास लेने हैं और यहाँ पर रखने हैं यहाँ पे ग्लास पेन रखने हैं और यहाँ पर भी ग्लास रखने हैं। पहले पूरा कम्प्लीट कर लेते हैं ये ऑल राइट। तो इतना सारे नेक्स्ट बार आप तो फैंस लेने हैं
और यहाँ पे लगाने हैं, और यहाँ पर भी। तो पहले लगा लेते हैं ये। और राइट, तो यहाँ पर आपको डाउन स्टेयर लगानी है, और यहाँ पर भी, और यहाँ पे स्पू स्टेयर लगानी है वो भी डाउन। और सेम ऐसे यहाँ पे वॉल बना लेनी है, तो पहले बना लेते हैं ये और ऊपर भी। और राइट, तो इतना करने के बाद आपको यहाँ पे फैंस लेने हैं और यहाँ पे रखने हैं, तो पहले रख लेते हैं ये। इतना करने के बाद आप तो वापस आउटवुड प्लांट्स लेने हैं और यहाँ पर लगाने हैं, टू ब्लॉक छोड़ने हैं। और राइट, तो यहाँ पर ग्लास पेन लेने हैं और यहाँ पर लगाने हैं, और सूप सेट लगानी है लेनी है और यहाँ पर लगानी है, और यहाँ पर डोर लगाने हैं टू। ऑल राइट, तो इतना करने के बाद आपको यहाँ पे ब्लू तार पे टाटी में वाटर फिल करना है, और इसके ऊपर ट्रैप डोर रखने हैं, और सेम यहाँ पर भी। तो पहले कर लेते हैं ये। ऑल राइट, तो इतना करने के बाद आपने तार पे टाटे यहाँ पर फैंस रखने हैं, और सेम यहाँ पर भी। और यहाँ पर भी पहले कर लेते हैं ये। ऑल राइट, तो इतना सारा नचवाड़ आपको यहाँ पर फैंस लगाने हैं, और यहाँ पर आपको आउटवुड प्लांट्स लगाने हैं, और सेम यहाँ पर भी कर देते हैं पहले। ऑल राइट, तो इतना सारा नचवाड़ आपको स्टोन हो लेना है और यहाँ पर फार्म लैंड्स बनाने हैं, तो पहले बना लेते हैं ये। ऑल राइट, तो इतना करने के बाद आपने बस शेड लगानी है, और यहाँ पे बीट रूट सीड, तो पहले डाल लेते हैं ये। ऑल राइट, तो इतना करने के बाद आपने तो पोस्टर लेने हैं और यहाँ पे रखने हैं। और इनके ऊपर लीफ रखनी है ऐसे, तभी आप पहले कर लेते हैं ये। ऑल राइट, तो इतना करने के बाद आप तो यहाँ पे डाउन स्टेयर लगानी है, और यहाँ पर भी, और यहाँ पर ट्रैप डोर रखने हैं, और सेम यहाँ पर भी पहले कर लेते हैं ये। ऑल राइट, तो यहाँ पर आप तो फेंस लगाने हैं, और यहाँ पे लीफ, और सेम यहाँ पर भी। और यहाँ पे स्टेयर रखनी है आप तो, और एक प्लस छोड़ कर, और यहाँ पे ट्रैप डोर रखने हैं, तो पहले रख लेते हैं ये लाइक दिस। ऑल राइट, तो इतना करने के बाद आप तो यहाँ पर एक स्लैप रखनी है, और एक प्लस छोड़ कर यहाँ पर भी रखनी है, और यहाँ पे कंपोस्टर रखने हैं, और इनके ऊपर लीफ रखनी है, और सिम यहाँ पर भी से तरना है, पहले तर लेते हैं ये। ऑल राइट, तो यहाँ पर आपको फ्लावर्स रखने हैं, और सिम यहाँ पर भी। और यहाँ पर आपको ब्राउन कारपेट लेने हैं और यहाँ पर रखने हैं, और यहाँ पर भी, तो पहले कर लेते हैं ये। तो ऑल राइट गाइस, तो इतना करने के बाद आप तो यहाँ पर स्लैप रखनी है, और यहाँ पर कंपोस्टर रखने हैं, और इसके अंदर लीफ रखनी है, और यहाँ पर फ्लावर्स रखने हैं यहाँ पर। ऑल राइट, तो इतना करने के बाद आप फ्लावर पॉट लेने हैं और यहाँ पर रखने हैं, और इनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स रखने हैं। तो ऑल राइट,
तो अभी आपको सिर्फ घर तो अंदर से डाकोवेट करना है, तो पहले कर लेते हैं ये। और राइट, तो इतना करने के बाद आपके यहाँ पर लीव्स रखनी है, और इतना करने के बाद आपके यहाँ पर भी रखनी है, और सेम यहाँ पर भी, और यहाँ पर आप स्लैब रखनी है, और इसके ऊपर लेंटर रखना है, और यहाँ पर ट्रैप डोर, और इनको ओपन भी कर देना है। और राइट, तो इतना करने के बाद आपके यहाँ पर स्टोरेज रूम बनाना है, और यहाँ पर तो बैरल्स रखने हैं, और यहाँ पर टू चेस्ट रखनी है, और यहाँ पर डबल चेस्ट रखनी है, और राइट, तो इतना करने के बाद आपको यहाँ पे डबल फर्नेस रखने हैं। और यहाँ पे आपको ब्लास्ट फर्नेस रखने हैं, और इसके ऊपर स्मोटर, और यहाँ पे लैंटन, और यहाँ पे स्मिदन टेबल, और यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल, और यहाँ पे स्पूस प्लांट्स, और इसके ऊपर लैंटन। और राइट, तो यहाँ पर आपको लीव्स रखनी है, और इसको पूरा फिल कर देना है ऊपर तक, और यहाँ पे आपको डाउन स्टेयर जानी है, और यहाँ पर आपको टू बेड्स रखने हैं, और यहाँ पर रेड कारपेट, और राइट, तो यहाँ पर आपको बुश शेल्फ लेनी है, और यहाँ पर रखनी है, और यहाँ पे एंचेंटेड लैंप रखना है, और यहाँ पे लैंटन। और राइट, तो यहाँ पर आप तो टेबल बनाना है, डाउन स्टेयर से, तो पहले बना लेते हैं ये। और यहाँ पर आपको आइटम फ्रेम लगाने हैं, और यहाँ पर आपको मैप लगाने हैं, और यहाँ पे लैंटन, और यहाँ पर आपको डबल चेस्ट रखनी है। तो और राइट, तो आपने घर बन चुका है, तो वीडियो पसंद हो लाइक करना, अपने तो मुझसे शेयर करना, मैं मिलता हूँ तब से ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।